डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 2/√3 − 3/√3 + 1/√6 + √5 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, उसको हमें सॉल्व करके देखना है कि इसकी वैल्यू दिए गए ऑप्शंस में से किसके बराबर है। तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले समीकरण में तीन पद हैं, ठीक है। पहला पद मेरा क्या हो गया, 2/√5 + √3। दूसरा पद क्या है, 3/√6 − √3। प्लस तीसरा पद मेरा है 1/√6 + √5, ठीक है। ये मेरा समीकरण हो गया दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर सभी पदों में हर में क्या दिया हुआ है, √5 + √3 √6 − √3 √6 + √5। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, संयुग्मीकरण करते हैं या रेशनलाइजेशन करते हैं। तो संयुग्मीकरण करने पर तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जो हर में संख्या है और अगर हर में अगर दो संख्याओं के बीच प्लस है तो हमें माइनस से गुणा करना होगा अंश और हर में, यानी कि ये आ जाएगा 2/√5 + √3 × √5 − √3/√5 − √3, ठीक है। दूसरी संख्या में भी ऐसा ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3/√6 − √3। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस से गुणा होगा, यानी कि √6 + √3 / √6 + √3। और तीसरी संख्या क्या है, तीसरा पद 1/√6 + √5 × यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है हर में तो माइनस आएगा √6 − √5/√6 − √5। देखिए और यहाँ पे हमने जब यहाँ पे गुणा किया तो ये देखा ये a प्लस बी और ये a माइनस बी जैसा कुछ है। तो अगर मैं देखूँ a प्लस बी गुणे a माइनस बी कभी भी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² − b², ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ से मेरा ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2/√5 − √3 / ये क्या आ जाएगा, √5 का वर्ग आ जाएगा 5 और ये −3 का वर्ग, यानी कि ये आ जाएगा −3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसी प्रकार दूसरा पद भी होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3/√6 + √3 / ये √6 का वर्ग यानी कि 6 और √3 का वर्ग यानी कि 3। तो 6 − 3 + ये क्या आ जाएगा, √6 − √5, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा हो गया, बटे √6 का वर्ग कितना आ जाएगा, 6 और √5 का वर्ग आ जाएगा 5, यानी कि 6 − 5। तो यहाँ से ये मेरा इक्वेशन क्या बन गया, मेरा समीकरण, देखिए 2/√5 − √3 / ये क्या हो जाएगा, 5 − 3 यानी कि 2, तो 2 से 2 आप काट दीजिए और यहाँ पे −3/√6 + √3 / 6 − 3 यानी 3, 3 से 3 काट दीजिए प्लस √6 − √5 / 6 − 5 यानी कि 1। तो यहाँ से ये बस इसको आपको जोड़ना है, जो वैल्यूज समान साइन की होंगी जुड़ जाएंगी, बाकी अपोजिट साइन वाली घट जाएंगी। तो देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा, √5 − √3 − √6 और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा −√3 + √6 − √5। देखिए कौन कौन सी वैल्यू कट रही है और कौन सी वैल्यू जोड़ेगी, तो देखिए यहाँ से एक बार +√5 है और एक बार −√5 है, तो ये दोनों कट गए, +√6 और −√6 है तो ये दोनों कट गए, और ये −√3 और −√3 है तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया आंसर −2√3, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।